सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या पता आपकी जिंदगी बदल जाए। हाँ तो किसी गाँव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। वो अपने फटे कपड़े और नंगे पाँव लेकर इधर उधर घूमता रहता था। किसी दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? तो उस बच्चे का एक बड़ा ही सुंदर सा जवाब आया, अंकल मैं बड़ा होकर आसमान की सैर करना चाहता हूँ। और आज वही बच्चा सचमुच लोगों को आसमान की सैर करवा रहा है। भारत के प्रसिद्ध जाने माने वैज्ञानिक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश वटिवु शिवन का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1957 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक किसान परिवार में। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल से की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने कन्याकुमारी के नागरकोइल स्थित हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1980 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके दो साल बाद वर्ष 1982 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली। इसके बाद द इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ इन्होंने PSLV मिशन के लिए प्लानिंग, डिजाइन, इंट्रीगेशन और एनालिसिस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2016 में इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। वे इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और सिस्टम सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आज विज्ञान संबंधी कई जर्नल्स में इनके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर कैलाश वटिवु शिवन को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का विकास करने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक ये रह चुके हैं। इसरो का चेयरमैन बनने से पहले वे इसी पद पर कार्यरत थे। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ GSLV रॉकेट का विकास करने में इनका खास योगदान रहा है। के सिवन ने 15 फरवरी 2017 को भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये इसरो का विश्व रिकॉर्ड भी है। 10 जनवरी 2018 को इन्हें इसरो का नया चेयरमैन बना दिया गया। अपने करियर के दौरान विज्ञान एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें 2014 में चेन्नई की सत्याभामा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ साइंस अवार्ड और वर्ष 1999 में मिला श्री हरि ओम आश्रम प्रेरित डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड। वर्ष 2019 में जब चंद्रयान 2 अपने मिशन के लिए उड़ान भरने वाला था कि कुछ ही घंटों पहले तकनीकी कारणों से इसे रोकना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर के सिवन ने एक उच्च स्तरीय टीम बनाई ताकि दिक्कत का पता लगाया जा सके, जिसके दौरान 24 घंटे के अंदर इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया गया। 22 जुलाई 2019 को के सिवन के नेतृत्व ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, लेकिन 6 सितंबर की रात को अपने आखिरी चरण में चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर दूर लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। डॉक्टर के सिवन के जीवन में सबसे भावुक होने वाला पल था वो, जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाने से इसरो के कई वैज्ञानिकों के साथ साथ उनके प्रमुख डॉक्टर के सिवन भी भावुक हो गए। खुद को संभालते संभालते आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो रो पड़े, जहां उन्हें निराश देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। आज डॉक्टर केशवन की उम्र 63 साल है और वे पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। आज उनका कहना है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत मेहनत की, अपना और अपने देश का नाम बहुत ऊपर किया और आज मुझे खुद पर गर्व है। दोस्तों इस महान इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।